अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं ओस्टेंड के पार्क में, मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं। मौसम भी प्यारा है, बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए बाहर निकले। दो दिन से गर्मी थे। इधर चढ़ाई आई है, साइकिल का भी जोर लग रहा है। क्या प्यारा व्यू है, ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी। साथ में नीचे ही सड़क है जो मोटरवे को जाती है। ये वो रोड है, ये सीधा ब्रसल्स को जाती है। ये पार्क की एंट्रेंस है। इधर आराम से साइकिल चल रही है। रास्ता नीचे जा रहा है, इधर बाद में आएंगे। उधर वो बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है, तो ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये इधर झील आ गए, इधर ना इसकी एंट्रेंस है, ये खुद बनाई हुई है, ये नेचुरल नहीं है, खुद बनाई हुई है। सेंटर में स्टैचू है कोई, बड़े सुकून की जगह है ये। इधर बैठेंगे थोड़ी देर, रेस्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ये इधर नलका भी लगा हुआ है पानी का, हाथ धोने के लिए। और ये प्लान है, इधर का पार्क का प्लान है। इस रास्ते के, इस रास्ते का नाम है लिखा हुआ है, अच्छा इस पार्क में ये मछली हैं, ये ली पता नहीं कौन सी हैं,
और लाइसेंस के बगैर आप मछली पकड़ नहीं सकते, ये लिखा हुआ है डच में, आप इसको ट्रांसलेट कर लें क्या क्या लिखा हुआ है। ये इधर डस्टबिन भी है, आपको कहीं भी ज़मीन पे ना गंदगी वगैरह नज़र नहीं आएगी कहीं भी। ये अंदर बना हुआ है, अगर बारिश हो जाए तो इसके अंदर बैठ सकते हैं। इतनी साफ सफाई है, इतनी साफ सफाई हमें पाकिस्तान में भी रखनी चाहिए, लोगों को खुद पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। वो जो आपको नज़र आ रही नहीं बड़ी सी बिल्डिंग, ये पानी की टंकी है। इधर अभी हम इधर जाएंगे, अभी नज़दीक से दिखाऊंगा आपको, चलो फिर चलते हैं। वो सामने बच्चों का पार्क है, ये काफ़ी बड़ा है, ये बोट वगैरह चलाने के लिए पानी पे। वो सामने रेस्टोरेंट भी बना हुआ है काफ़ी, उधर बैठ के माँ बाप उधर बैठते हैं, बच्चे उधर खेलते हैं साथ में तो पार्क में। आदमी मछली पकड़ा, इसके पास लाइसेंस है। ये आगे भी एक आदमी है, लड़का है, अच्छा यंग लड़का है ये। ये वाटर टावर के अब बिल्कुल सामने आ गए, लेकिन वाटर टावर फिर भी दूसरी साइड पे है। ये पता नहीं कौन सा परिंदा ये, ये पार्क में कुछ लिव जानवर, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो डक्स वगैरह, ये कबूतर, पिजन्स, सामने ना ग्रीन में लिखा हुआ है रास्तों के नाम। और ये है टावर, वाटर टावर,
ये कोई आर्ट बना हुआ है, बुलेट्स पता नहीं किस वजह से बना हुआ है।